स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया? ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ इंग्लैंड। आंसर ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। प्रारंभ में RBI को मुद्रा नियंत्रक से जिम्मेदारियां विरासत में मिली और उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 अप्रैल 2024 को 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। अगला प्रश्न। रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? ए ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, बी ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, सी सर्वाधिक लगातार ATP मास्टर्स 1000 खिताब, डी ATP मास्टर्स 1000 फाइनल में सर्वाधिक हार। आंसर बी। एक्सप्लेनेशन: रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने 30 मार्च 2024 को मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल जीता। 44 साल की उम्र में बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न। हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ए मैकी सॉल, बी उस्मान सोनको, सी बसिरो डियोमाएफे, डी अमादोबा। आंसर सी बसिरो डियोमाएफे। एक्सप्लेनेशन: अफ्रीका के सबसे पश्चिमी देश सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बसिरो डियोमाएफे की जीत की पुष्टि की है। अगला प्रश्न। मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ए पैनासोनिक, बी एडिडास, सी रीबॉक, डी एवरेडी। आंसर डी एवरेडी। एक्सप्लेनेशन: एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में विश्व नंबर एक नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अगला प्रश्न। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का नाम क्या है? ए नोआ, बी टेक्नोसागा, सी इंद्रधनुषी, डी इरा। आंसर डी इरा। एक्सप्लेनेशन: हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में काफी चर्चा हो रही है। इस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इरा का ट्रेलर और गाना लॉन्च मुंबई में हुआ। फिल्म में रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म IRAH का ट्रेलर AI तकनीक के दुरुपयोग को दर्शाता है, इसके नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। ये फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज हो रही है।